आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो हमारे माननीय मंत्री साहब है ये पूरा गलत बात बोल रहे हैं. इट इज एन एब्सोल्युटली लाइ. मालदीव मेरे बच्चों के साथ में वेकेशन. आई हैव टेकन प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. आई डिड नॉट मीट एनीबडी और मुझे ज्यादा कोई क्लैरिफिकेशन देना नहीं है. ऐसी जो घटिया आरोप जो लग रहे हैं उसको मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है. मैं माननीय न्यायालय के सामने जो मुझे प्रस्तुत करना मैं करूंगा. मेरे कंटिन्यू फैमिली पे अटैक किया जा रहा है, मेरी सिस्टर पे अटैक किया जा रहा है, मेरे फादर पे अटैक किया जा रहा है. सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ने के लिए और एंटी ड्रग एक्टिविटी के लिए वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफी गलत एलिगेशन लग रहे हमारे माननीय मंत्री की तरफ से. बट एनीवे वी विल टेक लीगल कोर्स. हमारे अभी भी जुडिशियरी है, जस्टिस का सिस्टम है, हम हेल्प लेंगे उनका. ठीक, थैंक यू. बोलो निगम साहब. निगम साहब आपने सुनी उनकी बात. दरअसल नवाब मलिक ने कहा है कि वो अपने लोगों के साथ मालदीव्स गए थे, घूमने के लिए गए थे और कोविड के टाइम पर गए थे, कुछ फिल्म स्टार्स के साथ गए थे, जिसकी वजह से अब उनका ये रिएक्शन आया है. दो पक्ष है इसके. एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि हम इसको लीगली उनको स्यू करेंगे या जो भी वो एक्शन ले जाएंगे. दूसरी तरफ आरोप ये लग रहा है कि क्या बहुत पर्सनली इस केस को ले रहे हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट को ही देखिए, हमारे बच्चों से लेकर हर किसी पर आरोप तरह तरह के सोशल मीडिया पर लगाए जाते हैं, उनमें कहां तक कौन किसको जवाब देता फिरेगा. लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, वो सत्यमेव जयते लिखते हैं, तो वो भी एक सेंटर बन गए इस पूरे मामले में. इस पर आपका क्या नजरिया है, जो उन्होंने जवाब दिया है अभी? अंजना जी, मैं पर्सनल किसके बात तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब हाई प्रोफाइल जब कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है तो उनको सावधान की बरतनी होती है. मैंने ये कई बार 93 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस देखते आ रहा हूँ, कई मामले ऐसे चलाए कि जिसमें कई बार उनको एक और एंथुजियाज्म होता है, लेकिन और एंथुजियाज्म अगर ऑनेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि उस पर सियासत करने की कोई जरूरत नहीं. हमारे देश में ये दुर्भाग्य की बात है, कोई ऑनेस्ट ऑफिसर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है और उसमें मुलजिम अगर हाई प्रोफाइल होता है तो उस ऑफिसर को बहुत कठिनाई से सामना करना पड़ता है. और जो आज हम ये मामले में देख रहे, जो तरह से पर्सनल अटैक हो रहे, बहुत निंदनीय है, घृणास्पद है. मैं किसी की तरफ से बाजू साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, इस प्रकार पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बचना चाहिए और ऑफिसर्स ने भी बचना चाहिए. ये कई बार ऐसा हुआ है. मैंने जब 93 का बॉम्ब ब्लास्ट की केस जला रहा था, जब उसमें एक एक्टर भी इन्वॉल्व था, उस टाइम में उस एक्टर के पास बड़े संगीन आरोप थे, आखिर हमने वो साबित कर दिए. साबित होने के बाद हमने एक स्प्रिंग के आधार पर, एक AK-46 स्प्रिंग के आधार पर उस आरोपी को सजा हुई थी. लेकिन देखा मैंने उस मैटर में ऐसे आरोप हुए, इस तरह से आरोप हुए, और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें कूद पड़ी थी. उसमें मुझे भी कुछ भुगतना पड़ा, जिसकी मैं चर्चा जरूर नहीं करूंगा. लेकिन यह बात जरूर है कि कानून को और एजेंसी को अपना काम करने देने की मुझे लगता है कि आज बहुत जरूरी है जी. और ये पॉलिटिकल लीडर्स को भी सुनाना चाहिए, ऑफिसर को भी सुनाना चाहिए. जिस प्रकार बयानबाजी होती है, बड़े दुर्भाग्य बयानबाजी होती है, इतना ही मैं कहूंगा. प्रियंका जी, आप जो इस पर बोलना चाह रही थी. मैं तीन चीज़ें कहना चाहूँगी. एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के विधायक, वो कह रहे हैं कि प्रोसीजरल लैप्स था टू हैव टू बीजेपी ऑफिस बेरर्स एक ही जगह पर, जो अक्यूज थे उनका हाथ पकड़कर उनको एनसीबी ऑफिस लेकर जाया जा रहा था, हु वर पर्सनली इन्वॉल्व्ड. एक हमारे एनसीबी के पूर्व डायरेक्टर यहाँ पर कह रहे थे कि कोई भी टिप ऑफ दे, एब्सोल्युटली कोई भी टिप ऑफ दे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ हो, मीडिया कर्मी हो, कोई भी टिप ऑफ अगर देता है तो एनसीबी की जिम्मेदारी होती है कि उस पर काम करे. पर उनको पर्सनली एस्कॉर्ट कर जो ऑफिस बेरर्स हैं उनका इस्तेमाल कर उन अक्यूज को लेकर आया जाए और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जनता के सामने ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं रखी जाए, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ पर कहूँगी,